ठियोग की पिछड़ी पंचायत कोटीघाट में गैस की सुचारू आपूर्ति न होने के चलते मंगलवार को शिमला में माकपा नेता व ठियोग के विधायक राकेश सिंघा खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग के शिमला स्थित कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे और मांग की कि कोटीघाट में गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि गृहिणियों की रसोई प्रभावित ना हो। इस धरने में राकेश सिंघा के साथ पूर्व महापौर संजय चौहान, सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, माकपा की शिमला कमेटी के सचिव बलबीर पराशर और सीटू जिला शिमला के सचिव बाबूराम शामिल रहे। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। गांव की जनता को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करके देखे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गैस और राशन की सुविधा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। लोगों को भूखा मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जीने का अधिकार तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। का जो का बैकवर्ड पंचायत है, चार पंचायतें हैं सिर्फ बैकवर्ड वाला, उनमें से कोटीघाट एक है। वहां पर गैस का वितरण 20-21 को हर महीने होता है, होना चाहिए, यह है उनकी डेट। मुझे मेरे ख्याल 24-25 को उन्होंने फोन किया, मैंने उनको कहा कि भाई ये मिल जाएगा, ठहर जाओ, ये कोविड-19 चला है। उन्होंने कहा कि भाई कोविड-19 में हम कहीं से ला नहीं सकते हैं, हम घर में लॉकडाउन है। ये क्या कहते हैं, डायरेक्शन है, कहते सरकार की, आप बाहर नहीं निकलेंगे, तो इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी बनती है उसको करने के लिए। तो मैंने इनसे बात की, ने कहा आप 2 दिन ठहर जाओ। मैं 2 दिन ठहरा, जब गैस नहीं पहुंची तो मैंने 30 तारीख को स्वयं डिप्टी कमिश्नर महोदय से बात की, और सिर्फ बात नहीं की, मैं कहा कल को कोई मुकर जाए, मैंने बाय कायदा व्हाट्सएप मैसेज दिया है, जो मेरे पास आज भी व्हाट्सएप मैसेज अवेलेबल है। उसके बाद जब मुझे लगा कि नहीं पहुंची, फिर मैं दोबारा आया यहाँ पर DSC के पास आया, इनको मैंने रिक्वेस्ट की, इन्हें कहा 2 दिन का मौका और दो, 2 दिन का मौका और दे दिया। कल रात को मुझे 11 बजे फोन आया, और मैंने ऐसा कभी नहीं किसी से सुना, जिस तरीके से फोन पर मुझे कहा गया कि आप हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, और कैसे नुमाइंदे आप है, अगर गैस भी आप नहीं उपलब्ध करा सकते हैं तो क्या नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, मैं एक MLA हूं, और एक MLA एक पंचायत को गैस पहुंचाने के लिए इतना काम करना पड़ रहा है, और कोविड-19 के होते हुए ये क्या कहते हैं, उस गैस को नहीं उपलब्ध करेंगे, और अभी बयान दे रहे हैं कि 62 सिलेंडर भेज दिए। और मैंने कल भी कंफर्म किया, आज लोगों से कंफर्म किया, 36 सिलेंडर के अलावा 1 सिलेंडर नहीं गया। मुझे बताओ मैं क्या करूं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है इस चारे को छोड़कर कि इस सरकार और सरकार के तंत्र की दिशा जनता के प्रति तब्दील करने के लिए यही तौर तरीका। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।